गुरुवार से काम पर लौटेंगे राज्य भर के लिपिक। झारखंड राज्य समाहरणालय संवर्ग के बैनर तले पिछले 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा था। वेतनमान बिना परीक्षा के प्रोन्नति और रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार मांग कर रहे थे। जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे 9 सूत्री मांग को लेकर। इस 9 सूत्री मांगों में सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर जो हैं, मुख्यमंत्री के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तुरंत कोई अधिसूचना निर्गत नहीं कर सकते हैं। इसके संबंध में हम लोग एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी बनाकर और आपकी जो जायज मांग है, जो नियमानुकूल है, जैसे कि बैठक में बताया गया कि आपकी कई मांगों पर LDC का वेतन मांग 2400 करने के संबंध में, MACP और कालावधि के संबंध में, चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की बिना परीक्षा के जो है वरीयता के आधार और अर्हता के आधार पर प्रमोशन देने के संदर्भ में, आउटसोर्स के कर्मियों का जो वेतन में विसंगति है और उनका उनकी सर्विस को सुरक्षित करने के संदर्भ में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।